हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में जो प्रीवियस हमने सारी बातें वो डिस्कस किया था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए हमारा फेसबुक ऐड बनाने जा रहे हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक ही वीडियो में अगर आप स्टेप बाई स्टेप जीरो टू सारा प्रोसेस समझ ले तो बेटर होगा। इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखना इस वीडियो को, और इस वीडियो में सारी बातें डिस्कस करूँगा कैसे एक जीरो से लेकर पूरा स्क्रैच से लेकर एडवांस तक हम अपना फेसबुक ऐड सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने फेसबुक ऐड मैनेजर अकाउंट में। जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास जो मेरा फेसबुक ऐड मैनेजर का अकाउंट है ये है। इसके अंदर सबसे पहले ऐड क्रिएट करने के लिए मुझे बटन, ये जो बटन आपको दिख रहा है क्रिएट वाला, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले आता है कैंपेन। कैंपेन मतलब कि आप जो कैंपेन मतलब जो ऐड सेटअप करने वाले हैं उस पर्टिकुलर ऐड को किस कैंपेन के अंडर आप सेटअप करेंगे और उस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, मैं सबके बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और काम की चीज़ है वो है ट्रैफिक। तो इसको मुझे सबसे पहले सेलेक्ट करना है, ट्रैफिक को मैंने सेलेक्ट किया। ट्रैफिक को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक नाम मुझे देना है, ये नाम आपके रेफरेंस के लिए है, ये ऑडियंस को नहीं दिखाई देगा। तो जैसा भी आपको जो भी सुटेबल लगे, मैंने अपनी सुटेबिलिटी के लिए दे दिया ट्रैफिक कैंपेन। यहाँ पर क्रिएट ए बी टेस्ट, इसको छोड़ दीजिए, एडवांस टॉपिक है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसको भी आप छोड़ दीजिए, थोड़ा एडवांस टॉपिक है। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि यहाँ पर आपको सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट मेथड बता रहा हूँ जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप एज इट इज़ फॉलो करके और वो ऐड बना सकते हैं। फिर उसके एडवांस पार्ट की हम बात करेंगे इन फ्यूचर वीडियोज़ इफ़ रिक्वायर्ड। सेकेंड स्टेप आता है मेरे पास एड सेट लेवल। ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे किस टाइप की ऑडियंस को हमें टारगेट करना है, किस टाइप के लोकेशन को, लोकेशन में हम अपने ऐड दिखाना चाहते हैं, क्या एज ग्रुप रहेगा, मेल ऑडियंस दिखाना चाहते हैं, फीमेल ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले वही नेम देना है, तो मैं अपने रेफरेंस के लिए एक नाम दे देता हूँ, फर्स्ट एड सेट, राइट। आप अपना नाम दे सकते हैं। ट्रैफिक, चूज़ वेयर यू वांट टू ड्राइव ट्रैफिक, कहाँ पर अपना ट्रैफिक ले जाना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट पर है, मोबाइल एप्लीकेशन पर, मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर। अभी के लिए वेबसाइट पर ऑफ कोर्स, तो वेबसाइट को चूज़ एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड है वही रहने दूंगा। डायनेमिक क्रिएटिव, देखिए डायनेमिक क्रिएटिव बेसिकली होता क्या है कि आप मोर देन वन इमेजेस डाल दो और फेसबुक फिर जो बेस्ट परफॉर्मिंग इमेज है उसको सामने दिखाएगा ऑडियंस के कि ये बेस्ट परफॉर्मिंग इमेज है, ऑटोमेटिकली वो चूज़ करेगा। तो अभी के लिए हम इसको नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी हम जो ऐड बनाने वाले हैं उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑफ़र भी आप दिखा सकते हैं कि आप अपने, और ई कॉमर्स के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये जो कि आप एक ऑफ़र रन कर सकते हैं। स्पेशली लेट सपोज आपका कोई ओकेजन आया, कोई न्यू ईयर का ऑफ़र आया, कोई स्पेशल फेस्टिवल आया जिसमें आप 30% डिस्काउंट दे रहे हैं या 40% कैश बैक दे रहे हैं, तो यहाँ पर उसको एज अ ऑफ़र बनाकर भी आप रन कर सकते हैं। बट ये वाला हम फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसके वो स्किप करते हैं अभी के लिए। हाँ, अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे पास सेक्शन आ चुका है वो है ऑडियंस। ऑडियंस में अभी हम कस्टम ऑडियंस की बात नहीं करेंगे, अभी हम नई ऑडियंस बनाएंगे यहाँ पर ही खुद की। सबसे पहला ऑप्शन लोकेशन, लोकेशन क्या सेलेक्ट करनी है आपको। अब आपको लगता है लोकेशन में कि मैं पूरे इंडिया में सप्लाई करता हूँ, भाई अगर ऑर्डर आ गया तो आपको डिलीवरी तो करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं पूरे इंडिया में डिलीवरी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ राजस्थान राजस्थान में डिलीवर कर सकता हूँ, ठीक है, तो राजस्थान राजस्थान का आप टारगेट कर लीजिए। तो RAJSTHAN यहाँ पर लोकेशन डाल दीजिए राजस्थान, जो मैंने आपको पहले भी बात की थी। यहाँ पर आप जो टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पिन कोड वाइज भी टारगेट कर सकते हैं। डिटेल टारगेटिंग के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऊपर कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वहाँ जा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो डिटेल टारगेटिंग का वहाँ पर फंडा आपको पूरा जीरो से समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लोकेशन सेलेक्ट किया राजस्थान, पूरे राजस्थान में, राइट। उसके बाद एज, तो अब हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ जैकेट, जैकेट के लिए हम लेट सपोज़ ये जो जैकेट है ये एक एज टीन एज ग्रुप के लिए, टीन एज भी नहीं बोले तो लेट सपोज 18 साल या 20 साल से ऊपर के लिए है, और कहाँ तक जा सकता है 30-35, राइट। तो लेट सपोज़ हम 35 सेलेक्ट करते हैं। अब क्योंकि मेल ऑडियंस के लिए है तो यहाँ पर हमने मेन सेलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं। डिटेल टारगेटिंग, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसी के बेस पे आपको पता चलेगा कि आप राइट ऑडियंस तक पहुँचेंगे या नहीं, किस तरह के ऑडियंस तक आप पहुँचना चाहते हैं। अब क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एक क्लोथिंग फैशन का प्रोडक्ट है, जैकेट है, तो ऑनलाइन, और मैं बात कर सकता हूँ, मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, राइट। तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग तो क्या मेरे पास कुछ आएगा? जी हाँ,
ऑनलाइन शॉपिंग जिनका इंटरेस्ट है, जो कि अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं या उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लोगों को मेरा ऐड दिखना चाहिए। उसके बाद मेरा प्रोडक्ट है जैकेट, तो लेट सपोज मैं लिखता हूँ जैकेट, क्या जैकेट पे लोग आएगा इंटरेस्ट? यस, जैकेट पे भी लोगों का इंटरेस्ट आएगा। अब एक या दो सिलेक्शन करने के बाद अगर आप सजेशंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फेसबुक भी कुछ सजेशंस दिखाता है। फर्स्ट इज इंगेज्ड शॉपर्स, ऐसे लोग जो कि शॉपिंग में इंगेज्ड रहते हैं बिहेवियर वाइज, कि जिन्होंने पास्ट में भी ऐसी एक्टिविटी की है, उनको आप कर सकते हैं डेफिनेटली। कोट में नहीं लूँगा, शॉपिंग एंड फैशन में मैं ले सकता हूँ। हुडीज़ बिल्कुल मेरा थोड़ा सा हुडी टाइप में है, मैं हुडी ले सकता हूँ। स्वेटर नॉट एग्जैक्टली आउटवेयर, स्ट्रीट वेयर, टॉप, टी शर्ट, फैशन एक्सेसरीज़, बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, राइट? तो जो आपको रेलेवेंट लगता है उस उसको टारगेट कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे सिमिलर आपके प्रोडक्ट के, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो आपकी नीश ऑडियंस है या जो आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस है उन तक आप पहुँचे, और जो आलतू फालतू की ऑडियंस है उन तक कम ही पहुँचे, राइट? तो ये आपकी मदद करेगा, फेसबुक का जो आपका पैसा है उसको सही। कनेक्शन ऐड कनेक्शन टाइप्स को छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लेसमेंट जो है उसको ऑटोमेटिक रहने दीजिए, क्योंकि इनिशियली आपको अभी इसको छेड़ना नहीं है, हमें अभी सिर्फ ये सीखना है। बजट एंड शेड्यूल, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एड डिलीवरी, किसके लिए आप करना चाहते हैं? क्या आप लैंडिंग पेज व्यू मतलब कि इस पेज पर कितने लोग आए उसके लिए पैसा देना चाहते हैं, उसको टारगेट करना चाहते हैं डिलीवरी में, या फिर लिंक क्लिक्स, मतलब आपके जो लिंक आपने दे रखा है, सपोज़ ये जो URL है इसमें जो आप ऐड में देंगे उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया उसके लिए ऐड को करना चाहते हैं, डेली यूनिक रीच कितने लोगों ने देखा, इंप्रेशन कितनी बार देखा, तो मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव अभी लिंक क्लिक्स होना चाहिए, राइट? क्योंकि लिंक पे जितने ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो लोग वहाँ पर विजिट भी करेंगे, क्लियर है? कॉस्ट कंट्रोल, ये अभी आपको छोड़ दो, ये बहुत एडवांस टॉपिक है, इसको अभी नहीं छेड़ना है। बजट एंड शेड्यूल, यहाँ पर आप दो तरीके से बजट सेट कर सकते हैं, डेली या लाइफ टाइम। डेली मतलब रोजाना के पर डे के बेसिस पे कटेगा, लाइफ टाइम मतलब आपने बोला कि 10 दिन का 5,000 रुपये मैंने डिसाइड कर दिया, तो अब 10 दिन में 5,000 कटेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पर डेली शेड्यूल, लेट सपोज मैंने 500 रुपये का बजट लगा दिया, अब जैसे ही मैंने 500 किया देखिए चेंज हो गया, पहले 84 के समथिंग आ रहा था, अब 54 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। टोटल मेरा इतना कटेगा। When you are charged, आप क्या चाहते हैं, आपका पैसा कब कटे, जब लिंक पे क्लिक हो या जब इम्प्रेशंस हो? तो इसमें आप जो ऑप्शन मिल रहा है तो आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, तो सो दैट आपको कर सकते हैं। बिलिंग ऑप्शन नॉट अवेलेबल, एड अकाउंट ऑन बाय बिजनेस न्यू टू फेसबुक चूज समथिंग, ये वही है, बिलिंग डिटेल जब तक आप नहीं दोगे तब तक वो नहीं होगा, बट इसके लिए अभी हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको बाद में सेटअप करेंगे, अभी सिर्फ हमारा फोकस सेटअप करने पे होना चाहिए यहाँ पर। तो ये मेरी स्क्रीन ख़त्म हुई, ये वाला जो मेरा एड सेट लेवल था ये फिनिश हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं ऐड कॉपी पर, कि जो ऐड कॉपी रहेगी, ऐड जो बनेगा, जो मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया था, यहाँ पर फ्लिपकार्ट की नहीं बात करते हैं, बात करते हैं अमेज़न इंडिया की बात करते हैं। तो ये जो एड कॉपी आपको दिख रही है, ये जो फाइनल दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एड कॉपी, राइट? इसको हम ये बनाने वाले हैं। तो देखिए मैं बहुत क्विक जा रहा हूँ, आई नो, लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना चाहता हूँ, सो दैट आप एटलीस्ट बना तो सकें, फिर डिटेल में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर वही फर्स्ट पहले एड नेम देना होगा, तो मैं पहले वही दे देता हूँ, फर्स्ट एड, राइट? तो ये आप अपने रेफरेंस के लिए दे सकते हैं, जैसा भी आपको याद रखना हो। अब यहाँ पर आपको फेसबुक पेज चूज़ करना है, राइट? और उससे लिंक्ड इंस्टाग्राम अकाउंट भी चूज़ करना है। अभी के लिए मैं मेरा रख सकता हूँ, आपको वैसे अपना फेसबुक बिजनेस पेज जो आपने बनाया है अपने बिजनेस के लिए वही चूज़ करना है, बाकी कोई और चूज़ नहीं करना है, राइट? इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्रिएट ऐड। यस, देखिए यहाँ पर तीन तरह के ऐड हैं, एक है कराउसल ऐड, एक है सिंगल इमेज और वीडियो ऐड, और एक है कलेक्शन ऐड। तीन तरह के ऐड्स वेबसाइट ट्रैफिक सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्टिव सपोर्ट करता है। यहाँ पर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है कराउसल ऐड, कि मल्टीपल ऐड्स कैसे दिखा, मल्टीपल इमेजेस कैसे दिखा सकते हैं एक ही ऐड में, राइट? तो इसको ऑटोमेटिकली हम सेलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद आते हैं नीचे ऐड क्रिएटिव। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें ऐड क्रिएटिव चूज़ करना है। तो जो कि मैंने आपको बताया था कि ये हमने इमेजेस निकाल के रखी हैं, इस इमेजेस को यूज़ करेंगे, अपलोड करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ताकि टाइम बचे अपना। तो फर्स्ट हम अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आप दिखाना चाहते हैं तो ऑर्डर में दिखाने के लिए आप उसको नंबर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये यहाँ दिखेगा, एक बार मैं सबको अपलोड कर लेता हूँ। सेकेंड मेरी ये इमेज होगी, ओके डन। थर्ड मेरी ये इमेज होगी, डन। अगर आपके पास अब तीन से ज़्यादा इमेज हैं तो यहाँ प्लस का बटन, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इमेजेस, फोर्थ
फोर्थ इज़ डन एंड द लास्ट वन इज़ फिफ्थ। फिफ्थ इमेज मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ये मेरी इमेज हो गई सारी अपलोड, और ये इस तरह दिखेगा, ये स्लाइडर लेफ्ट टू राइट चलेगा। ठीक है, अब वापस आते हैं फर्स्ट पे। अब और क्या बाकी है, हेडलाइन। हेडलाइन में हम अपने प्रोडक्ट का नाम देंगे, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको कॉपी किया हमने और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं एज इट इज़। तो प्रोडक्ट का नाम ही हम हेडलाइन में देंगे, क्योंकि हमारे सारे सेम हैं इसलिए हम सेम ही नाम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अगर आपको अलग अलग प्रोडक्ट चलाने हैं तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं, पर अभी के लिए हमारे पास सेम प्रोडक्ट है, सेम नाम है, तो हम सेम नाम सब में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलता है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, डालिए तो ज़रूर ठीक बात है, नहीं डालिए तो कोई ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट URL डेफिनेटली यहाँ पर जो है, दिस इज़ वेबसाइट URL, इसको कॉपी कीजिए, पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में भी, चाहे तो सेकंड स्लाइड में भी डाल दीजिए। राइट, सेकंड स्लाइड हम डाल सकते हैं, थर्ड स्लाइड में। अब यहाँ पर आप अलग अलग URL भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अमेज़ॉन के ऐड में लास्ट वीडियो में दिखाया भी था कि आप अलग अलग को भी टारगेट कर सकते हैं। अभी ऑटोमेटिकली ले रहा है, फिफ्थ में भी एक बार डाल देते हैं, कन्फर्म कर लेते हैं, डन। तो हमारी इमेज डल चुकी है, टाइटल डल चुका है यानी प्रोडक्ट का नाम डल चुका है, लिंक डल चुका है। ठीक है, अब नीचे आते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली शो द बेस्ट परफॉर्मिंग एड फर्स्ट। नहीं, हम ऐसा नहीं दिखाना है, क्योंकि हमें सीरीज़ में दिखाना है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि अगर आपने मल्टीपल इमेजेस चूज़ करी है तो उसमें से कौन सी बेस्ट परफॉर्मिंग है उसको फेसबुक पहले दिखाता है, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही हमें दिखाना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ऐड अ कार्ड एट द एंड प्रोफाइल पिक्चर, नहीं हमें कोई ऐड नहीं करना। प्राइमरी टेक्स्ट, अब जो टेक्स्ट ऊपर यहाँ पर कैप्शन दिखेगा वो क्या है, तो सबसे पहले तो लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ बाय फैशनेबल जैकेट, ठीक है, एट अफोर्डेबल प्राइस ओनली एट, कितने रुपए का हम बेच रहे हैं, क्या हमने प्राइस मेंशन की है, प्राइस मेंशन स्मॉल साइज के अकॉर्डिंग करंटली अनअवेलेबल है, बट प्राइस इसकी क्या है, एम का भी नहीं है, एक तो ये लॉकडाउन के चक्कर में शायद कुछ भी अवेलेबल नहीं है। प्राइस कुछ है नहीं यहाँ पे। चलिए लेट्स सपोज हम फॉर एग्जांपल एट 599 ओनली, ठीक है, प्राइस जो भी है आपको लिख सकते हैं। प्राइस लिखना कंपलसरी नहीं है, आप नहीं चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई अच्छा डिस्काउंट है तो आप लिख सकते हैं। मतलब कैप्शन आपको उसी तरह लिखना है कि जो कि अट्रैक्ट करे यूज़र को इन टर्म्स ऑफ ख़रीदने के लिए, इन टर्म्स ऑफ परचेज करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद सी मोर URL, इसमें क्या है, विजिट व्हेन दे क्लिक ऑन द लास्ट कैरोसेल कार्ड, नहीं हमने इंडिविजुअल सब पे कर दिया है, लेकिन लास्ट फिर भी एक बार डाल देते हैं कि लास्ट कैरोसेल पे अगर कोई क्लिक करता है तो भी हमारे पेज पर जाना चाहिए। हम कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते जहाँ पर हम ऑडियंस हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पर लिंक मुझे नहीं डालना, यस कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन क्या डालें, सबसे बेस्ट जो लगेगा मुझे शॉप नाउ, यस ई कॉमर्स के लिए सबसे अच्छा जो है वो है शॉप नाउ। राइट, इसके बाद ये हमारा ऐड हो चुका है, इसको अगर आप डेस्कटॉप न्यूज़ फीड में देखना चाहते हैं तो ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, इस तरह से ये ऐड आपका चलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, शानदार ऐड है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फेसबुक पिक्सल अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी के लिए ऑफ़ कर दीजिए। ये सारा सेट हो चुका है, एक एरर आ रही है जो कि बिलिंग की है, वो मैं सेट कर लेंगे, लेकिन एड वाइज इसमें कोई भी एरर नहीं है। लेट्स सी अगर कन्फर्म करते हैं तो क्या ये मुझे एरर देगा, लेट्स सी कन्फर्म योर आइटम्स, तो अभी कन्फर्म होगा और रिव्यू में जाएगा। यस, ये क्या बोल रहा है, ऐड अकाउंट ओन बाय, हाँ ये थोड़ा एक्सेस का प्रॉब्लम है, बट जैसे आप इसको कन्फर्म कर देंगे, कन्फर्म करने के बाद सबमिट कर देंगे तो ये रिव्यू में जाएगा। जैसे ही फेसबुक की टीम इसे रिव्यू कर देती है, ये अप्रूव हो जाएगा और आपका ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक पूरा का पूरा प्रोसेस था, जीरो से लेके एंड तक, कैसे आप अपना ऐड बना सकते हैं, कैसा वो ऐड दिखेगा, राइट, एंड कैसी, अगर मैं नहीं यहाँ पर पी अवेलेबल नहीं है, तो कैसे ऐड दिखेगा ये हमने किया। कराउजल ऐड की बात, सिंगल इमेज और कलेक्शन ऐड की भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बताइए, कोई भी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए, और प्रैक्टिस ज़रूर करना इसके घर पे अपना बना के, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे, रिवाइज़ कर पाएंगे। राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।